Hello everyone, it's been a while. We are talking about the sound. 12 chapter frictions are over. Now we are go further for the 13 chapter sound. Okay, sound ke bare mein you all know something about the sound. What is the sound? As a pin drop silence, you will heard so much time that pin drop will be sound like that. Your teacher will be always say I want the pin drop silence. जैसे कि pin drop silence means कि कभी भी pin भी गिरे उसका आवाज, तो आवाज है जो हमारी साउंड है उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें करेंगे. सो हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पैरट इज इन द स्कूल? यू नो दैट द इजीली दैट द सम ऑफ द डोर व्हिच इज बी ही नॉक्ड एंड यू हियर द साउंड ऑफ डोर. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट द समवन इन द अप्रोचिंग यू बाय यू जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स. You might be have played the game called the hide and seek. In this game, person is blindfolded or has been catch the remaining player. How it is blindfolded person able to guess the player is the close to her? Okay, so we all know the sound where we when we period या lecture खत्म हो जाता है तो क्या होगा? बेल बजेगी. सो वी नो दैट द लेक्चर इज ओवर. सेकेंड वन क्या होगा? हिट द डोर बेल रैंग. कभी कभी डोर बेल रैंग हो जाती है तो वी नो दैट द समवन इज ऑन द डोर. देन लाइट बी गेम. कभी कभी हम जो हम खेलते हैं हाइड एंड सीक टाइप. सो द वो क्या होता है कि हम ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं. ब्लाइंड फोल्डेड के बाद भी हम आजू बाजू देख के हमें पता चल जाता है कि कैसे विच इज बी प्लेयर क्लोज टू हर. कैसे हम कोई किसकी किस फुटस्टेप है उनसे हम जानेंगे कि कोई नजदीक आ रहा है. सो साउंड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स एंड विच हैव टू कम्युनिकेट विद द अनदर. ओके, हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे करेंगे? बातचीत से करेंगे, ऑलवेजली साउंड से करेंगे. We hear the variant sound in a surrounded. Make a list of sound you hear in your surrounded. In this music room can be school, you hear the sound product by the musical instrument like a flute, tabla, harmoniums. How is the sound produced? How does it travel from the place to another place? How does the sound? Why are the sound are shall we discuss such a question in this chapter? हमारे लिए question होंगे, chapter होंगे, तो उसके लिए होगा. So first, the sound is produced by a vibrating body. Vibrating body means कभी भी कोई चीज में जो कंप होता है, जो हमें vibrate करता है, उसमें sound आता है. कोई भी vibrating body होगी उसमें sound होगा. अगर sound होगा वहां पे vibrating body होगी. कहीं भी साउंड होगा उसमें वाइब्रेशन आएगी तो ही वो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, नहीं तो नहीं होते. तो टच द स्कूल बेल एंड नॉट यूज्ड व्हेन व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? यस. टेक द मेटल प्लेट हैंग इन द कन्वीनियंट प्ले एंड सच एज अ वे टू डज नॉट टच अ वॉल. नाउ स्ट्राइक द स्ट्रिक्स एंड डू यू हियर द साउंड? टच द प्लेट एंड ग्रैंडुअली फिंगर टू द फील वाइब्रेशन. अब कभी भी कोई चीज पर मारोगे ऐसे ऊपर फिंगर रखोगे तुम लोगों को वाइब्रेशन दिखेगा. अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड स्ट्राइक द हॉल टाइटली एंड हैंड एंड इमिडिएटली स्ट्राइक. डू यू हियर द साउंड? टच द प्लेट एंड दिस प्रोड्यूसिंग साउंड कैन बी फील द वाइब्रेशन नाउ. ओके, कभी भी वाइब्रेशन होगी, जहां भी तुम लोग मारोगे वहां पे वाइब्रेशन आएगी. और कभी कभी ऐसा होगा कि तुम लोग होल्ड करोगे उसे, वाइब्रेट नहीं करोगे, वाइब्रेट होने ही नहीं दोगे, तो उसमें से आवाज आएगी ही नहीं. टेक द रबर बैंड पुट अराउंड द लॉन्गर पेंसिल एंड दिस इज इन साइड. इसमें एक स्ट्रेच किया हुआ, दोनों साइड पेंसिल रखी गई है और उसमें स्ट्रेच करके क्या करेंगे हम रबर से अंदर थोड़ी थोड़ी आवाज आएगी. सो दैट इज स्ट्रिंग. जब वाइब्रेशन करेंगे हम रबर को उसमें से साउंड क्रैक होगा. एज द लर्न इंसेक्ट्स क्लास 7 दैट डेड एंड दिस बैक एंड फोर्थ मोशन दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. कोई भी चीज बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे और पीछे जाएगी, बैक एंड फोर्थ मोशन, दैट कॉल्ड वाइब्रेशन. वन इज टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड. कभी भी कभी स्ट्रेच बैंड होगी वो प्लग होगी. इन वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड. When it is stopped, vibration is due, does not produce any sound. कोई भी sound produce नहीं करेगी by the way. Take a metal dish, pour the water in the strike and edges of a spoon. Do you hear the sound? Again, strike the dish and when touch it. Can you feel dish's vibration? Strike the dish again. Look at surface water and do not see the wave these are.
New holding that is dished. We can choose the observe the surface water. Can you explain the change? And here hint to connect the sound with the vibration of body. कभी भी sound of the vibration body होगी वो हमें पता चल जाएगी. We will see the vibration object produce sound and it is case the vibration are easily visible in us. But it is most case that the amplitude is the small and we cannot be see them, which is we can be feel them. ओके सो हमारा वाइब्रेशन है वो हम मोस्ट ऑफली दिखता है बट कभी कभी हमारा एम्पटीट्यूड वो बहुत ही छोटा होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें वो दिखता नहीं है तो क्या करेंगे हम उसे फील करके पता चल सकता है कि दैट इज अ वाइब्रेशन. टेक अ हेलो कोकोनट शेल एंड द मस म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट एक तारा विद द म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट एंड यू नीड द हेल्प टू द अर्थ पॉट एंड इट इज द इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाइड बाय द वाइब्रेशन पार्ट. देखो यहाँ पे पूरा एक वाइब्रेशन पार्ट है उसके ऊपर एक तार है सिर्फ एक और तार है उसके ऊपर एक रखा गया है ऐसे तो उसमें आ जाता है. मेकलेस ऑफ फेमिलियर म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार है उसके अंदर स्ट्रिंग होती है जैसे सितार है उसके अंदर स्ट्रिंग्स होती है तो वो सारी स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से हमें तबला लेंगे और ड्रम लेंगे तो उसमें क्या होगा वो ऊपर का जो हमारा कवर है वो वाइब्रेट करेगा. मंजीरा होगा तो हम दो चीज को एकदम साथ में लगे वाइब्रेट करेंगे तो सारी चीज जो हमारी साउंड्स है वो वाइब्रेशन से आएगी. मैनी ऑफ विच माइट बी हैव सीन मंजीरा कंबल कैम्बेलस कहते हैं देन घंटा एंड दिस इज न्यूड मेटपोर्ट्स एंड दिस कैटाटास दिस इज द म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज इन अ मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री. दिस इज अ बीटन और स्ट्रक्स कैन बी मै नेम ऑफ द अदर म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टाइप. यू मेक द घटम दिस इज घटम म्यूजिशियन सिस्टम घटम फ्यू ऑफ द मोर इंस्ट्रूमेंट. Take the sixth and eight balls of the tumbler and fill with the water ups and this is different level increasing gradually and this take a pencil and strike the successfully. This is pleasant sound. This is called chatrangs. तो अब क्या करेंगे वाटर होंगे वाटर में डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हम पानी भरेंगे और दोनों सब में एक पेंसिल डालेंगे पेंसिल को मारेंगे उस वाटर के ऊपर तो जो अंदर एक प्लेजिंग साउंड होगा दिस इज हमें जंगलर्स कहते हैं चकड्रंक्स कहते हैं. व्हेन वी पुट द स्ट्रिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट लाइक अ स्टेयर sound can be hear not only the string that is all instrument is forced to the vibrate in this sound is the vibration of instrument and here similarly we when strike the member of meridianum the sound can be hear only not only the member of the whole body of the instrument. क्या होगा कि हम सिर्फ स्ट्रिंग को हम नहीं कर रहे हैं अटैच हम क्या करेंगे पूरा का पूरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे वाइब्रेट करेंगे जिसकी वजह से साउंड आएगा. तो साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन अब कोई भी साउंड है ह्यूमन के साथ प्रोड्यूस होगा तो स्पीक लाउडली फॉर द वाइल एंड सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी क्या करेंगे बज लाइक बी करेंगे और क्या करेंगे स्पीक लाउड बहुत जोर से बोलेंगे. बट यू हैंड ऑन द योर थ्रोट एंड दिस फील द वाइब्रेशन अगर तुम लोग अपने थ्रोट के ऊपर अगर आप बोलोगे और अपने थॉट के ऊपर हाथ रखोगे तो क्या होगा आपको वाइब्रेशन फील होंगे. एंड दिस ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स एंड द लैरिंक्स. हमारी बॉडी के अंदर वॉइस बॉक्स है एंड लैरिंक्स है. वॉइस बॉक्स के अंदर जो लैरिंक्स है जो सारे के सारे और बहुत सारे एक जैसे कि वाइब्रेशन जैसे स्ट्रिंग्स होते हैं वैसे ही हमारे अंदर लैरिंक्स है. पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड डिफरेंट हार्ड ऑफ डंप इन माउथ फ्रॉम द शैलो दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज अ वॉइस ब्लॉक. तुम लोग जहाँ पे बोलोगे वहाँ पे एक लम्स दिखेगा मोस्ट ऑफली बॉयज में ज्यादा दिखता है बट गर्ल्स में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है. सो दैट इज मूव जो हमारे साउंड्स होते हैं वो शैलो करें जो वहाँ पे सूजा हुआ सेलोस भाग होगा वो क्या होगा हमारा वॉइस बॉक्स होगा. वॉइस बॉक्स है वो अपर एंड विंड पाइप उसके ऊपर विंड पाइप के नीचे जो होगा वो वॉइस बॉक्स होगा. द टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड और द लेफ्ट लैरिंक्स इन सच इज अ लिव्स नैरो एंड दिस इज द. अब देखो यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स दिया गया है क्या किया है उसके अंदर स्ट्रेच होगा दो अंदर वॉइस कॉर्ड होंगे वो स्ट्रेच होंगे उसके ऊपर से हमें पता चलेगा हमारा साउंड आएगा.
When the lungs force to the air and the sets and vocal cords vibration producing sound, muscles attached to the vocal cords and the cords tightly loosen. When these vocal cords are tightly thin, that our type of quantity voice is different. From this we lose the thick and this is two vocal cords are function. क्या होगा कि हमारे vocal cords है वो हमें अलग अलग आवाज निकालने में मदद करेगी. जब हमें produce the sound of muscular attachment and vocal cords, बहुत ही ज़्यादा thin आवाज़ निकालनी होगी और tight करेंगे. जब अलग अलग हमें pitch में आवाज़ निकालेगी तो बहुत सारे हम कहते हैं ना, हम चिल्लाते हैं तो हमारे vocal cords होते हैं वो stretch होते हैं, तो बहुत सारे thin हो जाते हैं vocal cords. हमें जब husky voice में बोलना पड़ता है, bass में बोलना चाहते हैं तो वो tight हो जाते हैं. तो ये हमारे different quantities होती हैं. Take the rubber of the stretch, the same size of this, two pieces of this stretch, and this is gap of this and stretch of the upper and narrow, show the sound. अब क्या करेंगे, दोनों को हम पेपर के बीच में अपना मुंह रखेंगे और क्या करेंगे, बुर्र आवाज करेंगे तो उसके अंदर आवाज आएगा. दूसरे क्या कहेंगे कि हम अलग अलग आवाज निकलेंगे, दोनों के अंदर अलग आवाज आ गई. द वोकल कॉर्ड्स इन अ मैन आर 20 मीटर लॉन्ग, इन अ वुमन्स आर अबाउट 15 मीटर लॉन्ग. दिस चाइल्ड बेस्ड ऑन अ शॉर्ट वोकल कॉर्ड, दिस इज रीजन व्हाई द वोकल वॉइस ऑफ मैन एंड वुमन चिल्ड्रंस आर डिफरेंट. क्या होगा, चिल्ड्रन के थोड़े डिफरेंट वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो अलग होती है. बॉयज़ की लेंथ 20 नैनोमीटर्स लॉन्ग होती है, गर्ल्स की 15 नैनोमीटर लॉन्ग होती है वोकल कॉर्ड्स. अगर वोकल कॉर्ड्स अलग अलग होगी मींस के उनके साउंड्स भी अलग अलग आएंगे. साउंड नीड अ मीडियम एंड प्रोपोगेशन.